यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों के द्वारा भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित बैंकों के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। निजीकरण के विरोध में सभी बैंकों के अधिकारी व कर्मचारी 15 व 16 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे, लिहाजा सभी बैंकों का कामकाज बंद रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण की प्रथम कड़ी में 4 बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव संसद में पारित किया गया है। इनमें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडिया ओवरसीज बैंक शामिल हैं। ये चारों बैंक अभी लाभ में चल रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा इनके निजीकरण का प्रस्ताव समक्ष से परे है। 15-16 की 2 दिन की हड़ताल हमारे द्वारा जो यूएफबीयू के द्वारा प्रस्तावित करी गई है, वो आम जनता का पैसा सुरक्षित रखने के लिए निजीकरण के खिलाफ, क्योंकि निजीकरण के दोष आपको मालूम है, बहुत सारे निजीकरण बैंक जो प्राइवेट बैंक थे वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं या घाटे में चलते हैं और बैंक जो पैसा आम जनता का रहता है वो खा के भग जाते हैं। हम लोग चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक गांव दूर दराज में नहीं है, उनका जो है योजना है, आम आदमी के लिए, मजदूर किसानों के लिए नहीं है। यदि बैंकों को निजीकरण कर दिया जाएगा तो हमारे आम आदमियों से बैंकिंग सुविधा छिन जाएगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आम भारत देश की इस आम जनता को यह सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की सुविधाएं मिलती रहे।